क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। हमको बता दे कि समय मौजूद है हम मुमरा के जामा मस्जिद के पास और यहाँ पर कुछ काफी दिनों पहले जो है एक रोड के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया था और ये गड्ढा खोदने की वजह ये थी क्योंकि यहाँ से जो सैनिक नगर होते हुए नाला आता है वो नाला यहाँ रोड से होकर MMOL की तरफ जाता है और इससे साफ सफाई करने को लेकर जो है यहाँ पर बीच रोड पर जो है गड्ढा खोदा गया था कि जो वर्कर इसमें साफ सफाई करने के लिए उतरेंगे उन्हें यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इनका प्लान था कि यहाँ पर जाली लगाया जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना था। लेकिन काफी दिन हो गए इसको गड्ढे को खोदे हुए लेकिन अभी तक इसका काम का शुरुआत इसके काम की शुरुआत अभी तक नहीं की गई। हालांकि काफी लोगों ने हमसे इस गड्ढे को लेकर शिकायत की है क्योंकि ये कौसा का इलाका है, यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर ये गड्ढा इसी तरह से खुला पड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई भी बाइक सवार या कोई भी वाहन इसमें गिरता है और किसी की घायल होने की खबर आती है या किसी अनहोनी हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। कई दिनों से इसी तरह से ये गड्ढा बीच रोड पर खुला पड़ा हुआ है। हालांकि इस गड्ढे को जो इसका काम जो करवाने के लिए जो नगर सेविका अश्विन राउत के पति इब्राहिम राउत हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इसका काम क्यों नहीं हो पा रहा है। वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इब्राहिम भाई, आखिर इतना दिन हो गया ये गड्ढा खोदे हुए, आखिर इसका काम क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिन हुए, बात बिल्कुल सही है, ये गड्ढा खोदा हुआ क्योंकि इसके अंदर की सफाई का बहुत सारा काम बाकी था, उसको अभी साफ करके लिया हुआ है। 2-3 दिन 4 दिन से कंटिन्यूस अंदर आदमी जाके इसको क्लीन कर रहे हैं और तकरीबन यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा साफ किया है। और इसमें इसके सेंटर से BSNL का हॉटलाइन जाता है वो बिल्कुल नाले और रोड के दरमियान में लटका हुआ है, उसकी वजह से उसके ऊपर जो बिस्तर गादी आती है तो पानी भर जाता है और उसकी सफाई हो नहीं पाती, इसके लिए डक को किया हुआ है। और लेट होने का दूसरा कारण ये भी है कि ये डिवाइडर का भी यहाँ पे काम चल रहा था तो नेचर में आगे पीछे नहीं हो बोल के इसके लिए वो काम थोड़ा देरी हो गई। ये कल से इंशाल्लाह इसका जगह डिवाइडर का काम इब्राहिम भाई बहुत बाद में चालू हुआ, इसके काफी दिन पहले इसकी खुदाई हुई थी तो आखिर क्यों रुका हुआ? आखिर कोई अगर गिर गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती, कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या हो गया, ये सेंट्रलाइज भी करने का था तो डिवाइडर का जो काम कर रहा था उसने हमसे कहा था कि 2-3 दिन का हमको टाइम दो जिसकी वजह से हम रोड को सेंट्रलाइज करें। ये अभी जो डाला हुआ है रोड का इधर से इधर से मेजरमेंट लेके रोड ये तरफ थोड़ी चौड़ा हो गया, पहले ये जो डिवाइडर बना हुआ है इधर से कम 3 फुट रास्ता और इसको यहाँ मिल रहा है, इसीलिए सेंट्रलाइज करने के लिए भी रुका हुआ था। इंशाल्लाह अभी मैं जस्ट कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किया हूँ, उसका कहना ऐसा है कि मैं FRP कवर इसके ऊपर ला के डालता हूँ लेकिन उसको और ज़्यादा दिन लग सकते हैं, तो मैंने उसको क्या वो मत ला भाई, तू इसको हमको कल परसों में काम खत्म करके दे तो कल इंशाल्लाह। क्या बोला है कॉन्ट्रैक्टर ने, कितने दिन में? कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोल रहा है कि कल मैं इसका मटेरियल लाता हूँ यहीं पर, ये साइड में गिरा देगा वहाँ पर और इसके ऊपर उसका मेजरमेंट लेके उसका फ्रेम बना के उसके ऊपर 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह कवर लगा देंगे। और मैं आपसे आपके माध्यम से एक MTNL वाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके प्रहार टाइम के माध्यम से कि MTN वाले हर साल आके इसका विजिट करते हैं, इसके नाले के अंदर जो सेंट्रल में जो MTNL का हॉटलाइन जाता है जिसको हम लोग डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आके वो लाइन को आप प्लीज़ वो लोग इसको शिफ्ट कर दे और ये प्रॉब्लम को हमारे सॉल्व करके दे दो। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना कि जिस तरह से इस नाले को लेकर काफ़ी शिकायतें सामने आ रही थी कि काफ़ी दिन से ये इसे जो है खोदा गया था यहाँ और बीच रोड के ऊपर नाले के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जाली लगाने का यहाँ काम किया जा रहा था लेकिन काफ़ी दिन हो गए अभी तक इसका काम शुरुआत नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है इब्राहिम राउत से हमने जब बात की तो इनका कहना है कि 2-3 दिन के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इसे खोदा गया है क्या ये काम 2-3 दिन में पूरा होता है या नहीं। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स।